सरकार द्वारा नगर निगम के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और बकाया फंड को रोके जाने से हो रही समस्याओं को लेकर आज दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी के नेतृत्व में उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जयप्रकाश, पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह एवं भाजपा विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देशित करे कि नगर निगम के बकाया फंड 13,000 करोड़ रुपए और हाउस टैक्स का बकाया 10,000 करोड़ रुपए को जल्द से जल्द जारी करे ताकि नगर निगम कर्मियों को वेतन मिल सके। इस पर्व त्योहार के समय में दिल्ली सरकार के अड़ियल रवैये के कारण निगम कर्मियों का वेतन प्रभावित हो रहा है जो कि सरासर अनुचित है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हमें आश्वासित किया है कि वह इसका संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे।